बात तो क्लियर इसलिए हो गया, बात तो ठीक कैसा हो गया समझ में आ गया, लेकिन वो जो पूछ रहे हो बनारस कराने, बनारस कराना एक सबसे बड़ी चीज ये जानना चाहिए कि यही एक हिंदू का घराना है, बाकी सब मुस्लिम घराना है। तो दिल्ली घराना पहले है, फिर अजराड़ा है, फिर लखनऊ है, फरुखाबाद है, बनारस और पंजाब। तो दिल्ली से जो वैसे बाज दो ही है, बजाने का तरीका जो है उंगली से ही तो बचता है तबला। तो इसमें जो शुरू जहाँ से शुरू हुआ जैसे दिल्ली, वहाँ दो उंगली से लोग बजाना शुरू किए हैं, जैसे उसका बहुत प्रसिद्ध कायदा है जैसे था परिभाषा के हिसाब से तो वो हो जाता है गलत कायदा।
लेकिन है वो लोग कायदा ही कर इस्तेमाल हो गया तो ये फर्क आया डांस के साथ भी बजाने लगे थोड़ा सा लव का इस्तेमाल कर दिया। वैसे ही मोदू खा साहब के दामाद जो थे तो हाजी विलायत अली खान साहब वो गए अजाड़ा ये फरुखाबाद तो फरुखाबाद में अपना उनका अपना स्टाइल क्या सब कुछ वही है सिर्फ वहाँ गतो बजाने की प्रचलन ज़्यादा है और जैसे पेशकार में भी कुछ दूसरा चलन उसमें जो है चार चलन और चाला ये सब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है पेशकार का और बोलों का तो है ही एक ज़्यादा बसता है वहाँ रौ बसता है रेला रौ जैसे बनारस तो बिल्कुल अलग हो गया है क्योंकि ये उंगली जो है सब जगह करीब करीब सीधी रहती है कहीं कहीं इतना मुड़ा रहता है लेकिन बनारस में तो पूरा ही मोड़ दिए अर्धचंद्राकार बना दिए इसको हैं इसमें आवाज बढ़ गई जो पखाव से के बराबर आने लगी तो यहाँ का बोल बदल गया। अब यहाँ का तो सबसे मशहूर चीज़ है देखे दीना तो जानते ही हैं सबको सब लोग सीखे और हैं वो जैसे तो ये जो है वैसे शुरुआत जो करते दादा थे वो यहाँ से ही शुरू करते हैं ऐसा नहीं है इतना ऐसा नहीं लगता है। अब बनारस छोड़ के और जगह जो बसता है इतना गीना ज्यादा प्रयोग होता है अब बनारस में वही बदल गया है तूना कत्ता हो गया है फर्क होता है ये ज्यादा मोड़ देने से ये सीधे बीच में पहुंच जाएंगे ये फर्क है और यहाँ जोरदार बोल और यहाँ के गलफरद अलग है फर्क खास करके यहाँ सबसे अलग है जो पखावत से मिलता जुलता है वो जो सब सीखे हैं वही समझ ले तो सिखा चुके हैं वो तो प्रस्तुत कर भी सकते हैं आप लोग बता सकते हैं बांट के बारे में ऐसा है कि बनारस में स्वतंत्र रूप से बांट बजता है बाकी किसी घराने में स्वतंत्र बांट नहीं है ना वहाँ जो बांट बजाते हैं उसका रेला बजाते हैं वे जैसे ये बांट बन गया ये चाल हुआ ये इसमें रेला हो गया दिनगिन का बजाएंगे वरना धाड़ा गिन ऐसा बजाते हैं धाड़ा गिन ऐसा बजाते हैं तीनों का प्रयोग करते हैं यही चीज बनारस में बसता है तो खुल जाता है तो पूरा पूरा खुला हुआ यहाँ का खुला बाज वैसे पूरा बाज भी खुला ही माना जाता है यहाँ और खुल गया
ये विशेषता है बनारसी की। और यहाँ पलन वगैरह जितना है सब एक से एक बजते हैं, चक्रदार जी सबसे ज्यादा यहाँ बजता है जी। बनारस घराने में टुकड़ा, चक्रदार, परन ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और घराने में कम होता है, खास करके दिल्ली में तो बिल्कुल कम जी। पंजाब में पखावज का ही वो बजाते हैं वो लोग, लेकिन बंद करके बजाते हैं जी। आवाज कम होती है क्योंकि उंगली इस तरह नहीं होती, इसलिए आवाज बंद हो जाती है। जैसे वहाँ का कायदा है बहुत, तो उसका अलग खान सा है ना जी। ऐसे नहीं है, ये उंगली मोड़ते नहीं है, है यहाँ पर किनार से ही है जी। बंद करके। और बनारस का क्या पूछना है? यहाँ उठान से शुरू करते हैं, वहाँ पेशकार से शुरू करें, दो ही तो तरीका ही है, एक पेशकार पे दूसरा उठान। उठान केवल बनारस में है, बाकी सब जगह पेशकार। हालांकि कहते भी हैं पंजाब में कि ये पखावज से है, पखावजी लोग रहे हैं, फकीर बख्श खान साहब पखावजी थे। अच्छा। वो तबला बजाए तो पेशकार कहाँ से लाए जी? पेशकार तो तबले की चीज है, वो तो पखावजी बजता ही नहीं, तो तबला से ही मिला जुला है, इसलिए पेशकार सब जगह बजता है। और जबकि सभी घराने के लोग कहते हैं मैं शुद्ध पेशकार बजाता हूँ, इसका तो कोई जवाब नहीं है। सब जैसे सबका चेहरा अलग है, वैसे ही सबका अपना अपना उपज है, इसमें सब संगीत में तो ये उपज चलता है ज्यादा। जैसे फरुखाबाद में क्या है, यही सब बोल मिला जुला है, सबका अलग अलग पहचान हो जाता है। बनारस का तो कुछ तो बंधा हुआ होता है, कुछ भूमिका बना करके उसको एक चक्रदार कोई तिहाई बजा देते हैं, वो है वो तरीका है। जैसे Thank you.
जैसे लहरा वगैरह हो तो गुस्से और बात दूसरी बनती है। तो वो ऐसा है कि ये उठान उठान के बाद तो कलाकार जो है वो तो गाना को भी फॉलो करते हैं, तो सोचते हैं कि सब लोग आलाप करते हैं पहले तबले में क्यों ना हो। अभी अभी नहीं हुआ है, ये पहले से चला आ रहा है पुराने जमाने से प्राचीन। तो तबले में क्या है ठेका, ठेके की ही बलत कर सकते हैं, इसलिए ठेका को बजाते हैं। जैसी शिक्षा है उसके अनुसार करते हैं। गुरु जी मतलब जैसे इस घराने का मतलब वो कंपनी के बारे में मतलब वो कंपनी ये तो एक्सपेरिमेंट में बनारस जो है सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ हर चीज के साथ संगत करना सिखाया गया है। जैसे ध्रुपद धमार गायन शैली जो है ना ध्रुपद धमार, उसमें भी संगत करने वाले यहाँ रहे हैं शुरू से, और डांस के साथ भी खूब अच्छी तरह संगत करने वाले रहे हैं, और तंत्र के साथ भी पूरा संगत करते रहे हैं, चाहे वो सितार हो सरोद हो वायलिन हो संतूर हो जो भी हो, तो सबके सब साज के से टैली करे ऐसा संगत करते थे। पुराने उसका लेकिन ये जब दिल्ली घराने में अगर सोचेंगे कि हम ध्रुपद धमार में बचा लें तो दो उंगली से ध्रुपद धमार नहीं बचते, वो खुला हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर परार बजाने की शैली भी है और पूरा खोल भी देते हैं माइंड को, क्योंकि डांस में वैसा ही होता है ना। इस तरीके से बजाते हैं तो वो अलग ही ढंग है, तो जिसके साथ बजाएंगे वैसा बन जाएगा। ऐसा हाथ यहाँ का सब बताया जाता है। वहाँ दूसरी बात आ गई, वो एक अलग ही ढंग है। जैसे अब सुगम संगीत में बजा रहे हैं, ठुमरी में बजा रहे हैं, तो उसमें लकड़ी लड़ी बजाते हैं, तो मुख्य रूप से तो कुछ लकड़ी लड़ी ही मशहूर है। अब वैसे गाने वाला अच्छा है टाइम है तब उसका बढ़त भी हो जाता है ना। वैसे जनरली वही बजाते हैं लोग। पहले भूमिका बनाया गया आपसे
या ये बजाएंगे, उसके बाद और भी बोल बजाते हैं जैसे वो भी मशहूर है। ये सब है और बयान वाला है ये सब ढंग का बोल बजाते हैं। तो जैसा खाना बजाना होगा वैसा मिजाज बनता है, वैसा बचता है और बहुत उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन भी होता रहता है। वो मतलब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, शिकायत नहीं जाएगा, वो तुरंत होगा। वैसे कलाकार के ऊपर निर्भर करता है। तो वही बजाते थे जी, लेकिन उसमें भी और हर चीज की सीमा है। तो जब सरोद या सितार वादक सही झाला बजाते हैं तब तो नारिंदिन्ना बजेगा। अब वो दरा तब तो नारिंदिन्ना बजना चाहिए। अब जहाँ दिर्दर 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 करेंगे वहाँ क्यों बजाएंगे? तबला वादक भी तो अपना तिक्रम निकालेंगे उसका तो क्या बारह दिन खाली बजेगा हमारा। अब यही हो गया ताती गिन ताती गिन ताती गिन ताती गिन, तो ये हो जाता है जो सभी बजा रहा है। लेकिन जहां तक सही झाला बजाते हैं वहां आदमी न बजाते हैं ये या नाद। दिल्ली वाले ये भी बजाते हैं है ना, और पंजाब में भी जैसे जाकर बजाते हैं। यहीं पर लगा देते हैं, लेकिन चिट्ठी ये है सही चिट्ठी जो बजता रहा है दिल्ली या और धर्म वो ये है। और ये लोग दूसरा बजाते हैं तो यहाँ पर मार देते हैं बस, ये फर्क उसका अलग है। यहाँ का सिकार मेहनत लेता है और ये जो नादानी पढ़ने पर यही होता है। अगर कोई अभ्यास करे ये है क्या, अगर हम इसको सोचें दादा तेते दादा तेते तो ऐसे है, लेकिन हम उल्टा अगर सोचे बायां को बराबर कर दें जो नादिन दुनिया में बसता है तो क्या हुआ दादी निंदा दादी दादा दादी तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा तैयार हो जाएगा। अभी दादा देते दादा इतना सोच के बजा देखिए बस मसला बजने लगेगा। वो धर धर कीर्तक में देखिए बहुत ढंग से, एक तो ज्यादातर खासा जाते हैं वो कैसे करते थोड़ा मोड़ लेते हैं और लेकिन बनारस में ही बसता है ऐसा भी बसता है, बहुत जगह बसता है। लेकिन गुरु जी का जो था वो सबसे अलग था, वो तो सबसे अच्छा राम जी बजाते हैं रहते तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग बजा पाते हैं। जब छोड़े हुए इसलिए और मुश्किल होता है। ये जो है पूरा आराम से बजाना चाहिए, ये उंगली से नहीं है, ये पूरा पंजा से है। त
तब तो थे हैं। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये चीज होना जरूरी है। इससे बजाने के लिए फिर दम लगता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। फिर जब हम जब ठीक होंगे तब बुलाएंगे। अभी तो इतने ही में हालत खराब है। वही है जो सुनाया था पहले, उसके बाद रहना वही तो जो बंधा हुआ हो, एक छंद में बंधा हुआ हो, उसी मतलब वही तो उसने सुनाया था। रो तो उसमें था ना फरुखाबाद में। अच्छा, वो जैसे यहाँ भी बसता है एक छोटा बोल हुआ, अभी पूरी कंपोजिशन नहीं है, एक पीस है, इसी को लगातार बजाएगा वो रॉ। मतलब एक तरीके एक क्या कहते हैं रॉ जो शब्द आता है एक जैसा साउंड बराबर चला जाएगा। ये सब बचता है। अब कोई भी एक चीज ले लो लगातार बजाओ वो रॉ पकड़ लेगा। रेला का छोटा पीस जो होता है वही रॉ चलता है। धातु गर्दन दिन तक है ना। तब ये लगेगा कि रेगा है रो है छुटा हो गया। इसी तरीके से तब तिरकिर तक काली बजा उगी रो है लगातार बजा उसी को है। कई प्रकार के लोग हो जाते हैं। ये भी है जी। ये भी है जी। अब वो जो बजाना है उसमें बहुत आसानी से नहीं समझ में आएगा कौन सा बोर कैसे लगा। तो ये मतलब हर तरीके से उंगली को तैयार किया जाता है। अनार का फर्द का फर्द ही तो होता है जो सिखाए हैं। लेकिन वही जरा जोर से बजाते हैं जब प्रोग्राम देते हैं तब माइक को थोड़ा बढ़ावा देते बजाएंगे इतने ही धीरे सुनाएगा बहुत वैसे यहाँ जोर से बजाने का प्रचलन है। लेकिन अब ये नहीं कि हाथ उठा उठा के बजाए, ऐसा तबले से हाथ बहुत उठना नहीं चाहिए। तब तो वो तबला है ना, तो फिर पखावज बजाइए है। अब ऐसे बजाने की क्या जरूरत है। वो कृतक था दो बार तक, देखो मालूम है ना।
सीखे भी हैं पहले है? You learn before. ये बीस कृतकता कृतकता दुना कृतकता ठीक है तेरे कृतक तिर कृतक देर धीरे धीरे कृतक तिहाई है धातिर कृतक धा 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 तो ये बारह पर आया बारह मात्रा वहां पर आधा मात्रा दम होगा धा पर फिर सन वो दूसरे मात्रा में जाएंगे वहां भी आधा दम होगा मतलब एक दो जिसको कहेंगे तो ये तीन बार होगा बस यही है एक तो तीन बार बनारस का ये भी तो पता होना चाहिए कि पान कैसे बनारस का बहुत ये नौ मात्रे में हो जाएगा समझ गए 37 बीट हो जाएगा नौ मात्र का मार्ग नहीं है।